नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं शिवरी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी 2023 एग्जाम के बाद वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेस है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, लगभग 6 शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आगे सीयूटी यूजी 2023 के एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग देखिएगा, लाखों बच्चे जो भी सीयूटी यूजी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी लोगों के लिए है। मैं आपको अपने 4 सालों का एक्सपीरियंस बेसिस पे वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग अपने एडमिशन से अछूता ना रह जाओ या एडमिशन के करीब जाके किसी एक गलती की वजह से, किसी एक फालतू डॉक्यूमेंट की वजह से जो कि बहुत आसानी से बनवाया जा सकता है उसकी वजह से आपका एडमिशन रुक ना जाए। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा ऑफिशियल अपडेट्स, बहुत सारे टॉप स्टॉक ब्लॉगिंग और आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए, क्योंकि अब आप एग्जाम देने के बाद दिमाग में बैठा लो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपडेटेड रहना है। टाइम टू टाइम आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, अच्छा ये प्रोसेस आ गया, अच्छा अब ये हो गया, अब आगे क्या करना है, ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम पता चलना चाहिए। सो ऐसे में आपके पास एक सब्सक्राइब चैनल जरूर होना चाहिए, लाइक सीयूटी या बीएचयू पाठशाला। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे तमाम विद्यार्थियों को फायदा हो जाए और वो ऐसी गलती ना करें जिससे उनका एडमिशन होते होते ना हो पाए। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप लोग एग्जाम दे चुके हो, आप अपने एग्जाम में जो भी करके आए हो, ध्यान देना वो आपके मेहनत का फल है, तो आप लोग बहुत ज्यादा सैड मत होना। हाँ, आगे जैसे जैसे प्रोसेस समझाऊंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किन बच्चों को कैसे आगे प्रोसीड करना है। ओके, पहला पॉइंट जो है उसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पे बात नहीं की है। सबसे पहले किस बात किया है कि आगे क्या स्टेप्स होंगे। जैसे कि अब आप एग्जाम देके आ गए हो तो कुछ ही दिनों बाद, ठीक है, लगभग हर एक प्रोसेस में 15 टू 20 डेज का गैप होगा। ध्यान देना कि यूजीसी का जो एक ऑफिशियल अपडेट बहुत पहले से है वो है कि वो अगस्त, ठीक है, स्टार्टिंग से आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो भी होना है इसी 1.5-2 महीनों के अंदर ही हो जाना है। ठीक है, पहला प्रोसेस जो है वो है आंसर की। आपका आंसर की आने वाला है, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा आपका आंसर की आएगा। आंसर की के साथ आप एक प्रोसेस में जाते हो, वो है क्लेम फॉर्म। इट मींस कि आप अपने आंसर को क्लेम करोगे। सपोज यहां पे देखो, यहां पे कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हो जाएंगे, तो उसमें किसको मार्क्स मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उसका पूरा एक मेथड है, उसका एक प्रोसेस है। ठीक है, अटेम्प्ट किए हो तभी आपको सबको मार्क्स मिलेगा, जो अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें नहीं मिलेगा। और दूसरा एक जो आप कर सकते हो वो है क्लेम आप कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई रेफरेंस है, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, आप देख रहे हो कि उसमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन आप अपने आंसर के में जब मैच कराते हो तो देख रहे हो कि एनटीए ने गलत आंसर को सही मान लिया है, तो आप उसको पेमेंट करके एक क्वेश्चन का 200 या 250 या 150 ऐसे समथिंग होता है, चेंज होता रहता है, तो वो पेमेंट करके आप क्लेम करते हो। माना जाता है कि अगर आपका आंसर सही हो जाएगा तो आपका पेमेंट सेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, माना जाता है, मुझे कभी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला देखने को। तो ये क्लेम फॉर्म फर्स्ट स्टेप है। सेकंड क्या है, रिजल्ट। आपका उसके बाद रिजल्ट आता है, ये भी लगभग 15 डेज का प्रोसेस है, यानी कि आपका आंसर की के 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट जो है ये आपका तय नहीं करेगा कि आप फेल हो कि पास हो, क्योंकि सीयूईटी है, यहां पे ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आपका मार्क्स इतना आया तो आप फेल हो गए हो, समझ रहे हो, क्योंकि यहां मेरिट पे काम चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कम मार्क्स पाए हो, आप अपने कोर्स में 15-20 नंबर ही पाए हो, लेकिन हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो,
तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक बने रहना है। अब यहां से 2 महीने आप ये समझ लो कि आप आईपीएल देख रहे हो, सीयूटी वीडियो मतलब क्या देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, इस तरीके का एक दिमाग में बैठा लो, या वेब सीरीज देख रहे हो, या मूवी देख रहे हो, या जो आपको बहुत पसंद है आप वो देख रहे हो, आप इस तरीके दिमाग में बैठा लो, क्योंकि 2 महीने में आपका एडमिशन किसी न किसी विश्वविद्यालय में तय होनी है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यूनिवर्सिटी अपनी पोर्टल ओपन करते हैं, आप वहां जाओगे, जैसे आपने सीयूटी का फॉर्म डाला था उसी तरीके से वहां जाके आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे पेमेंट करोगे और पूरा एक प्रोफार्मा होगा, 2-3 स्टेप 4 स्टेप का पूरा फिल करना पड़ेगा, और फिर उसमें आप एक साइबर वाले की मदद लेते हो। ध्यान दीजिएगा कि साइबर वाले की मदद उसी से लेनी है जो एक्सपर्ट है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे इन दिनों कॉल और मैसेज किए हुए हैं और उन्होंने ये बात मुझे इन्फॉर्म किया कि सर हम ये सब्जेक्ट देने जा रहे हैं और हम लोग ने इस फर्मा साइबर वाले से फॉर्म फिलअप करवाया था और हमारा गलत हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको घर बैठे काउंसलिंग का प्रोसीजर बताऊंगा, यहां तक कि आपको वो पूरा प्लेटफॉर्म भी दूंगा जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अगर सेकंड लाइन पे आते हैं तो वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका वो एडमिट कार्ड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपका सीयूटी का एडमिट कार्ड ही आपसे मांगेंगी, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप उसको लॉस मत करना, अभी से इन सबका पिक लेके सेव कर लो और डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी न किसी फाइल बनाना शुरू कर दो। रिजल्ट सीयूटी स्कोर कार्ड, आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका स्कोर कार्ड जो है ये आपसे रिजल्ट के थ्रू आपको मिलेगा और ये आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सेव करके रखना है, ठीक है। क्योंकि उसी स्कोर कार्ड पे एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे एक आदमी एक अलग अलग कोर्स में है तो वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के मेरिट बनेगा, इसलिए स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है। वो स्कोर कार्ड लगाओगे और वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कोर्स में आपका वो कोर्स से आपको जज करेगी, ठीक है। तो स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, 10th 12th का स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट। ध्यान देना, यहां पे आपको दिमाग में बैठाना है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो वहां से अपनी 12वीं, जिन्होंने 10वीं नहीं निकलवाया है वो 10वीं का भी अपना डॉक्यूमेंट निकलवा ले। तो 12वीं का जो भी है, मतलब बस आपका स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट ही नहीं, आपका जो टीसी है, माइग्रेशन है, ये सब कुछ आप निकलवा लीजिएगा इसी 15-20 दिनों में। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो है आय जात निवास डोमेसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट जो है आप लोग अगर नहीं बनवाए हो तो लेटेस्ट बनवा लीजिए, आपके पास ये नया होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन लेना चाहते हैं या जो रिजर्वेशन प्रयोग करना चाहते हैं, रिजर्वेशन का अपना एक प्रयोग करना चाहते हैं, बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, उनके पास ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होगा तो एडमिशन में प्रॉब्लम होगी, फिर जनरल एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब है फी, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फी देने वाले हो, साथ ही साथ जब आपका मान लो कि काउंसलिंग शुरू हो गया, ठीक है, काउंसलिंग शुरू हो गया, अब आपका मान लो किसी कोर्स में 25K लग रहा है, यानी 25,000-20,000, आप अपने कोर्स का जो फी है उस यूनिवर्सिटी का अभी से जान जाओ, नहीं पता है तो मुझे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। उस फी को अपने एक पर्टिकुलर अकाउंट में रख लो, खुद के अकाउंट बनवा लो, ज्यादा अच्छा है कि अब आप 18 प्लस में हो तो अपना खुद का अकाउंट बनवा लो, ठीक है, अपना क्या, अपना पैन कार्ड भी बनवा लो अगर 18 प्लस में हो तो। अब ये सब कुछ डॉक्यूमेंट वाला जो कार्रवाई है, जो काम है, इन्हीं सब फ्री टाइम में अब आप कर लो। साथ ही साथ अपने कुछ फेवरेट वेब सीरीज भी देखना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा तो ये है। अब आप सोच रहे होगा कि हाँ चालू हो जाएगा, एक दिन में जाके पैसे देख बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे स्टेट का लगता है, कुछ सेंटर का लगता है, कमेंट करके बताना तो मैं बताऊंगा, इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के पहले अभी से इकट्ठा करके रखना है। सो प्लीज इस वीडियो को हर एक विद्यार्थियों को शेयर कर दो, हर किसी को बता दो कि वो लोग ये तमाम चीजें जो है अभी से प्रिपेयर कर लें, वो अपने पास सेव करके रख लें, अपनी एक डायरी बना लें और उन डायरी में उस फाइल में सब कुछ अरेंज करें। से फोटो खिंचवा लो, जो फोटो आपने लगाया था वो वाला फोटो आप खिंचवा लो, कम से कम कितना 20-30 बनवा लो, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत सारा फोटो लगेगा। अभी तो ऑनलाइन मान लो हो जाएगा, लेकिन जब एडमिशन हो जाएगा तो वहां पे लगता है, ठीक है, वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए जाते हैं फिर से,
बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, एकदम बोर होने वाला है, लेकिन ये है कि अब इसके परिणाम स्वरूप आपको आपका एडमिशन मिलेगा, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो आप लोग बोर मत होना, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप अपना प्रतिक्रिया, अपना कॉमेंट, जो भी प्रॉब्लम है आप कॉमेंट कर सकते हो, मुस्कुराते रहे और बीजू पाठशाला के हर एक वीडियो को देखिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे हरे महादेव।